सीएम नीतीश कुमार आज एक बार फिर से सचिवालय पहुंच गए हैं और आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार है। इससे पहले वो सचिवालय पहुंचे हैं और अधिकारियों से कामकाज का फीडबैक लिया। आपको बता दें कि इन दिनों सीएम सप्ताह में 3 दिन सचिवालय जा रहे हैं और वहां के कामकाज का जायजा ले रहे हैं। बड़ी खबर बिहार से, जहां आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार होना है, लेकिन इससे पहले सीएम नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे हैं और कामकाज का अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आज एक बार फिर से सचिवालय पहुंचे, अधिकारियों से कामकाज का फीडबैक ले रहे हैं। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री हफ्ता में 3 दिन सचिवालय जा रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार होना है, लेकिन इससे पहले सीएम सचिवालय पहुंचे, अधिकारियों से मिले और कामकाज का जायजा लिया, फीडबैक लिया। और सहयोगी मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, बिहार में मुख्यमंत्री का एक्शन लगातार दिख रहा है, हफ्ते में 3 दिन सीएम सचिवालय पहुंच रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, यानी एक्शन दिख रहा है बिहार में सीएम का। बदले बदले नजर आ रहा है साहब। आज कोई प्रोग्राम नहीं था, एकाएक 9:20 पे वो सचिवालय पहुंच गए। सचिवालय का नजारा है जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी अभी पहुंचे थे और पहुंचने के बाद वहां से उन्होंने फीडबैक लिया और अधिकारियों के साथ मीटिंग की, कई बड़े अधिकारियों से बातचीत की और बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हम आपको जो दिखा रहे हैं या अंदर सचिवालय का है, जहां मुख्यमंत्री एकाएक पहुंच गए। पहुंचने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उनके पहुंचने के 10 मिनट के बाद कई अधिकारी वहां आनन-फानन में पहुंचे। सुरक्षाकर्मी को यहां से पहले से कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन एकाएक फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए सचिवालय, औचक निरीक्षण कर दिया, छापेमारी भी कर सकते हैं आप इसे। फिलहाल लक्ष्मी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एकाएक बदला रूप देखकर सभी परेशान हैं, हैरान हैं, चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9:20 पर ही पहुंच गए। आप समझिए जो अधिकारी 9:30 के बाद पहुंचे होंगे उनकी हालत क्या होगी। फिलहाल उनका औचक निरीक्षण, छापेमारी जारी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। रश्मि, बिल्कुल मरगूब। और देखिए, चूंकि 11 बजे से आज जनता दरबार भी शुरू होना है, लेकिन इससे पहले सीएम देखिए कितने एक्टिव है। सुबह 9 बजे वो सचिवालय पहुंच गए, अधिकारियों से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज भी है मरगूब। ये बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अब जनता दरबार में उनको शामिल होना है, लेकिन उससे पहले ही लगभग 1 घंटे पहले वो सचिवालय पहुंच गए और पहुंचने के बाद 9:20 में वो अपने कक्ष में थे। 9:30 के आसपास सभी कई अधिकारियों से बातचीत की, कई से मुलाकात की, उनके फीडबैक के बारे में पूछा और अभी जनता दरबार में भाग लेने के लिए वो सचिवालय से जनता दरबार निकल गए हैं। तो मुख्यमंत्री बदले हैं और बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार एक्टिव हैं और सचिवालय में लगातार औचक निरीक्षण के साथ साथ छापेमारी भी कर रहे हैं। फिलहाल आज भी मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण एकाएक हुआ है, जिसकी जानकारी किसी अधिकारी को नहीं थी। बिल्कुल मरगूब। और देखिए, सीएम ने यह भी कहा कि वो सप्ताह में 3 दिन सचिवालय जाएंगे कामकाज का जायजा लेने, फीडबैक लेने, और अब अपनी बातों पर सीएम अमल भी कर रहे हैं। लगातार वो सचिवालय का दौरा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। रश्मि, सवाल दोहरा। बिल्कुल मरगूब, सप्ताह में 3 दिन मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच रहे हैं, यानी कि सीएम ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान जिन बातों को कहा था कि हम सचिवालय जाएंगे, फीडबैक लेंगे, तो ये अब दिख रहा है, असर दिख रहा है इन चीजों का। देखिए रश्मि, 3 दिन तो था, लेकिन उनका कार्यक्रम जब निकलता है उसमें वो मेंशन रहता है, लेकिन आज कोई मेंशन नहीं था। आज भी उन्हें सिर्फ जनता दरबार जाना था। उनके कार्यक्रम में था कि जनता के दरबार में, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नीतीश कुमार 10:30 शामिल होंगे, लेकिन एकाएक 9:20 में ही वो पहुंच गए, जिसकी जानकारी किसी सुरक्षाकर्मी को नहीं थी। वो अपने आवास से निकले और सीधे उन्होंने कहा कि सचिवालय चलिए। तो सवाल यही है ना कि वो औचक देखना चाहते हैं, औचक निरीक्षण करना चाहते हैं, छापेमारी करना चाहते हैं कि हम जो आ रहे हैं सचिवालय में समय पर, अधिकारी मंत्री आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज भी कई अधिकारी नहीं समय पर पहुंच पाए, कई मंत्री नहीं पहुंच पाए। तो सवाल सीधा है, सिस्टम सुधारने की कवायद में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। रश्मि, चलिए नजर बनाए रखिए। मरगू, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।